नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी विधवा से विवाह करने की सोच रहे हैं या विवाह करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हमारे घर के साथ साथ समाज में हुए कुछ ऐसी घटनाओं का भी जिक्र होगा जो आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। दोस्तों, विधवा औरत से विवाह करने से आपको कौन सा पुण्य मिलता है और आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है, आपको कैसे धनवान बना देती है और आपके घर के किन लोगों को ये औरत बर्बाद कर देती है, जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, विधवा औरत से विवाह करने पर आपको इसी जन्म में स्वर्ग जैसा सुख मिल जाता है, परंतु आपके घर के दूसरे सदस्य के लिए नरक जैसी जीवन भी मिल सकती है। दोस्तों, जब एक औरत विधवा हो जाती है तो उसका जीवन बहुत ही दुखदायी होती है। पूरे जीवन को अकेले काट पाना उस औरत के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है। लोगों को लगता है जैसे उसकी लॉटरी लग गई है। हर मर्द की नज़र उस पर होती है कि कब वो उसे मौका दे। ऐसी नज़रों से खुद को ज़्यादा समय तक बचा पाना उस औरत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही जीवन भर खाली बिस्तर उसके अरमानों का गला घोंटती रहती है। ऐसी हालत में यदि कोई उससे शादी करने की सोच रहा है तो ये उस औरत के लिए किसी भगवान से कम नहीं होता। जो मर्द किसी विधवा से विवाह करता है तो विधवा औरत उसकी हर बात मानती है। जीवन में चाहे जितना भी बड़ा मुसीबत आ जाए, उसे आसानी से वो औरत झेल लेती है और अपने पति के ऊपर आँच तक नहीं आने देती। बिस्तर में तो ऐसा कमाल करती है मानो उसे स्वर्ग मिल गया है। आप जैसे चाहे उसे ले सकते हैं। पति के खोने के बाद जो उसकी हालत हो जाती है, उस बुरे पल को वो जीना नहीं चाहती है। आपके जीवन को खुशियों से भर देती है। ये बातें थी आपकी खुशी के लिए, लेकिन अब बात आती है आपके घर को ऐसी औरत कब बर्बाद कर देती है। दोस्तों, ऐसी औरत को अपने जीवन के उस बुरे दौर का अच्छा खासा अनुभव हो जाता है। उसे पता होता है जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन इस दुनिया से टपक जाए। ऐसे में अपने जीवन को भविष्य में खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपके दौलत पर उसकी नज़र हमेशा रहती है और आपको अपने प्यार में ऐसे जकड़ लेती है कि आपको ये भनक तक नहीं लगने देती कि अब उसकी नज़र आपके दौलत पर है। यदि आपके बच्चे पहले से हैं तो उस विधवा के चक्कर में कभी भी पूरी दौलत या बैंक बैलेंस भूल कर भी उस औरत के नाम ना करें, अन्यथा आपके खुद के पहली पत्नी के बच्चे सड़क में रहने लायक नहीं रहेंगे। आप खुद की शारीरिक भूख को मिटा तो लेंगे, पर आपके मरने के बाद आपके बच्चे दर दर की ठोकरें खाएंगे। यदि आपके पहले से कोई बच्चे नहीं हैं तो ठीक है, नहीं तो पिता होने के नाते किसी औरत के प्यार में पड़कर ये गलती भूल कर भी ना करें। मेरे पिता ने भी एक शादीशुदा औरत को लेकर आए जिसका पहले से एक पति जीवित था। आज जब मेरे पिता नहीं रहे तो वो अपने मायके चली गई, साथ में सारा बैंक बैलेंस भी। कहीं आपके बच्चों के साथ भी यही ना हो, इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ऐसा हर औरत करे ये जरूरी नहीं होता, कुछ अच्छी भी होती है। पर फिर भी किसी शादीशुदा या विधवा औरत से शादी करने से पहले उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल कर रख ले। ये आपके लिए या आपके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे साथ हुए घटना में कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। इसमें वो औरत 40 लाख रुपए से भी ज़्यादा की रकम को लेकर चंपत हो गई, क्योंकि कानून औरत को ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस कारण इस मामले में हम कुछ भी नहीं कर पाए। दोस्तों, क्या आप दूसरी शादी कर अपने बच्चों को ऐसा करना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी।